द क्वेश्चंस फ्रॉम एनालिटिकल केमिस्ट्री दे इन्वॉल्व गिविंग सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ द सॉल्ट व्हाट इज द हाउ इट लुक्स व्हाट काइंड ऑफ प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर एंड द क्वेश्चंस दे विल बी कंबाइंड विद द प्रीवियस चैप्टर जो अपना एसिड बेस सॉल्ट है उसके साथ कंबाइंड करके क्वेश्चन रहता है तो एनालिटिकल मतलब व्हाट इज एनालिटिकल एनालिटिकल दिस टर्म इज कमिंग फ्रॉम एनालिसिस एनालिसिस करना तो ये पता लगाना है एनालिसिस करके कि ये कंपाउंड कौन सा है तो जिस तरीके से कोई डिटेक्टिव पता लगाने की कोशिश करता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर क्राइम एंड सो ऑन डिटेक्टिव वर्क तो केमिस्ट्री में ये डिटेक्टिव वर्क है एनालिटिकल तो इसमें जो कंपोजिशन है डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए गिवन सैंपल इज एनालिसिस देर आर द टू टाइप्स वन इज द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ओके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये अननोन सब्सटेंस के बारे में पता चलेगा दैट इज नथिंग बट योर एनालिटिकल प्रोसीजर क्वालिटेटिव इज द एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव इज डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर जैसे कि अगर दो तीन चीज NaCl, MgCl2 इस तरीके से आपने अलग अलग कुछ चीज है उसको मिला दिया तो कितना प्रपोर्शन है एक चीज का दूसरे चीज यानी आप उधर केमिकल के कंपोजिशन से आपको इंटरेस्ट नहीं है आपको इंटरेस्ट यह है कि कौन सा कितने मात्रा में है मात्रा का आप पता लगा रहे हैं मास या क्वांटिटी के बारे में पता लगा रहे हैं इसीलिए क्वांटिटेटिव है ठीक है एनालिटिकल और क्वालिटेटिव में हम लोग इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड एंड क्वांटिटेटिव इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर ओके तो ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है इसमें जो अननोन कंपाउंड है उसको पता लगाने के लिए हम लोग को किसी प्रोब की जरूरत है किसी एक ऐसे केमिकल की जरूरत है जो उसके साथ रिएक्ट करके हमें बताए कि भैया ये है क्या तो ऐसे केमिकल को हम लोग बोलेंगे रिएजेंट ओके द रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अननोन सब्सटेंस ओके and it will react with that unknown substance to give some kind of color or some kind of reaction jo ki aap identify kar sakte ho so among the reagents one of the very important reagents are alkalis अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अल्कली और नॉट यस सर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अल्कली और नॉट नो सर इट्स अ बेस बेस सो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम लोग क्या देख रहे हैं अल्कली में एल्कली डिजॉल्व टू प्रोड्यूस OH आयंस हाँ फर्स्ट इज इट शुड डिजॉल्व इन वाटर सेकंड प्रोड्यूस OH आयंस यस एंड इट शुड रिलीज द OH माइनस आयंस एल्कलीज तो ये जो एल्कलीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं क्योंकि एल्कलीज ये जो OH बना रहे ना ये OH आपके मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड वाले कंपाउंड बनाएंगे और हाइड्रोक्साइड वाले कंपाउंड के बड़े रंग बिरंगे कलर बनते हैं तो उनको आप देख के आइडेंटिफाई कर लोगे कि इसमें कौन सा मेटल है सो
जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं पीरियाडिक टेबल में, ग्रुप वन ग्रुप टू 13 to 17, दैट इज एस ब्लॉक पी ब्लॉक, ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप 13 टू ग्रुप 17, दीज आर ऑल नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। यानी ये एलिमेंट्स क्या करेंगे, उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो दीज आर कलरलेस। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का जो है वो कलरलेस रहता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट इज फ्रॉम ग्रुप 3 to 12, दे आर जनरली कलर्ड। ये पॉइंट हम लोग इसके पहले भी डिस्कस किए हैं। ओके, दैट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर जनरली दे आर शोइंग सम काइंड ऑफ कलर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स विल शो सम काइंड ऑफ कलर। प्रिंस यू आर वेरी लेट सर, मोबाइल का डेटा ऑफ था, हमको लग रहा था कि लिंक क्यों नहीं आया अभी तक। ओके, सो देर आर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के जो है सॉल्ट्स कलरलेस है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो सॉल्ट्स हैं दे आर शोइंग कलर। सो सॉल्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर कलरलेस, whereas the salts of transition elements they are colored. So these colors will help in the identification, we will see. देखिए एक टेबल बनाया है पेज नंबर 63 में, कलरलेस आयन्स एंड कलर्ड आयन्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कैट आयन्स एन आयन्स, आप कोई भी कैट आयन ले लीजिए, कोई भी एन आयन ले लीजिए, वो कलरलेस होगा। पर्टिकुलरली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कलरलेस होगा बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में आप ले लो कैट आयन्स एन आयन्स, कोई भी कलरलेस होगा। क्या क्या एग्जाम्पल इधर है, सोडियम पोटेशियम, ओके, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, लेड जिंक, अमोनियम आयन, ओके, लाइक दिस। व्हाट एवर कॉमन आयन्स यू आर सीइंग कैट आयन्स, ऑल ऑफ दिस विल बी कलरलेस डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट आप देख लीजिए कलरलेस है। कलर्ड आयन्स आपको क्या याद रखना है, आप याद रखेंगे फेरस फेरिक कम आता है, आपका निकल क्रोमियम मैंगनीज कम आता है, ज्यादा क्या आता है फेरस फेरिक क्यूप्रिक, ये तीन आप नहीं भूलना। ओके, सो फेरस Fe2+, फेरिक Fe3+ और क्यूप्रिक Cu2+, ये तीन आपको नहीं भूलना है। तो जो फेरस है दैट इज लाइट ग्रीन, फेरिक येलोइश ब्राउन, एंड क्यूपरिक इज ब्लू। ये तीन आपको पक्का याद रखना है, Fe2+, फेरस लाइट ग्रीन, फेरिक येलोइश ब्राउन, क्यूपरिक ब्लू, याद रखें तो चलेगा, नहीं याद रहे तो भी चलेगा, वाला हिसाब है निकल क्रोमियम और मैंगनीज, ये तीन कैटायन्स का, निकल ग्रीन, क्रोमियम ग्रीन एंड मैंगनीज पिंक। ओके, ये वाला जो सेट है ये इंपॉर्टेंट है।
एनायंस। एनायंस में ऑल एनायंस कॉमन एनायंस आर देयर, दे विल बी कलरलेस। ओके, क्लोराइड बोलते जाइए, बुक सब आपके सबके पास ओपन है। SO4 2 माइनस क्या है? सल्फेट है। सल्फेट, हाँ बोलते जाओ, लिखते जा रहे हैं, बोलते जाओ नाम। कार्बोनेट, नाइट्रेट, हाइड्रोजन, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, एसीटेट। क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, ब्रोमाइड, एसीटेट, ऑल ऑफ दिस आर कलरलेस। कलर्ड में याद रखने वाला दो इंपॉर्टेंट है, एक है मैंगनेट परमैंगनेट, MnO4- दैट इज द परमैंगनेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2-. ऑल दिस लंबा लिस्ट जो ऊपर में है कलरलेस, ये दोनों जो है कलर्ड है। सो परमैंगनेट आयन इज पिंक और पर्पल, एंड डाइक्रोमेट दिस इज द ऑरेंज। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, डाइक्रोमेट। क्रोमेट दैट इज सी आर ओ फोर टू माइनस इज कमिंग टू येल्लो, ये आप याद रखिए तो बेहतर है, नहीं याद रखिए तो भी चलेगा। ओके, इंपॉर्टेंस आपको बता रहे हैं। कैट आयंस, एनायंस, एनी कैट आयन यू टेक कलरलेस, एनी एनायन कलरलेस। केवल ये तीन याद रखो, फेरस, फेरिक, क्यूपरिक, लाइट ग्रीन, येलो, ब्राउन, ब्लू। परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, पिंक, ऑरेंज। ठीक, अब एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हमने बनाया मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या कलर होगा इसका? ऐसा हो सकता है क्या, बोल सकते हैं क्या हम लोग? कलरलेस, कलरलेस होगा क्योंकि करेक्ट। लेकिन वही जब फेरिक क्लोराइड लेंगे तो कलर विल बी फेरिक, फेरिक इस तरीके से आपको कैटायन एनायन ये जो है इसका आपको पता है कलर, आप कंपाउंड का कलर प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट, ये तो तब तो कहानी बड़ी आसान हो गई, तो भैया एनालिटिकल हम लोग करेंगे क्या? हाँ, एनालिटिकल में असली मजा है हाइड्रोक्साइड में, क्योंकि हाइड्रोक्साइड का कलर हम लोग इस तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, हाइड्रोक्साइड्स का कलर कैनॉट प्रिडिक्ट। जब आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे तो करोगे क्या? याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा।
चलिए आपके सिलेबस में इतने भी ज्यादा नहीं है कि बहुत परेशानी हो, लिस्ट छोटा है, आपको केवल उनको याद रखना है। और ये सब जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, ये क्या बनाते हैं? प्रेसिपिटेट बनाते हैं। प्रेसिपिटेट यानी आपको पता है, प्रेसिपिटेट मींस इनसॉल्युबल, सॉल्यूशन के बाहर निकल जाएगा। सर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट सर जो क्या सेटल कर जाए, हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शंस ऑफ द डिफरेंट मेटल्स विथ किसके साथ, एल्कली के साथ, क्योंकि हमने बताया कि एल्कली जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। तो एल्कली को यूज करके आप बना रहे हो हाइड्रोक्साइड, अब हम लोग वही करेंगे। अब मेटल के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग एल्कली का उपयोग करेंगे, जिसमें दो दो कौन सा भी नंबर है 64। सो एक है एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक है एक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दो चीजें, दोनों एल्कली है कि नहीं? NaOH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, दे आर एल्कली आर नॉट? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एल्कली, ट्रू आर फॉल्स? ट्रू ट्रू। तो अब हम लोग रिएक्शन लिखना शुरू करेंगे। हमने लिया आयरन सल्फेट, ओके, FeSO4। क्यों? आयरन का क्या चार्ज है यहां पे? यू शुड बी क्विक। सल्फेट का क्या है चार्ज? टू होता है, टू टू कैल्शियम। हाँ, Fe2+। सो दिस इज व्हाट सल्फेट? फेरस सल्फेट, ठीक। फेरस सल्फेट को आप रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या दूसरा भी आप यूज कर सकते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दोनों में से आप किसी के साथ भी रिएक्ट करो, क्या आपको प्रोडक्ट आएगा? फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये फेरस सल्फेट था, आपको आया फेरस हाइड्रोक्साइड। चलिए इसी तरीके से फेरिक क्लोराइड, यही सेम रिएक्शन, क्या मिलेगा आपको? फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर जिंक लिया जाए, ये जो फेरिक क्लोराइड है और फेरस सल्फेट है, ये सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है? सल्फेट्स सॉल्युबल इनसॉल्युबल? सर ऑल सॉल्युबल, सॉल्युबल। क्लोराइड्स ये भी सॉल्युबल, सॉल्युबल। अब अगला देखते हैं जिंक सल्फेट, ये भी बनाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड, ओके। आप जिंक सल्फेट लीजिए, सॉल्युबल है, या आप जिंक क्लोराइड लीजिए, या जिंक नाइट्रेट लीजिए, एल्कली के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? उसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट लेड, इसका नाइट्रेट ले लेते हैं, NO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। सेम इसको एल्कली के साथ रिएक्ट किए तो लेड हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ओके। अगला वाला बोलिए, ये क्या बनेगा? ये क्या है?
कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, कॉपर इज इन व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट सर? कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी क्या है इसमें कॉपर का? 2+। ओके, सो आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, लास्ट में कैल्शियम। कैल्शियम को भी एक सॉल्युबल फॉर्म में ले लेते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट। इसको भी एल्कली के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो क्या हो रहा है यहां पे कि मेटल सॉल्ट है। कौन सा मेटल सॉल्ट है? सॉल्युबल मेटल सॉल्ट है। ओके, सॉल्युबल मेटल सॉल्ट, रिएक्शन किया हमने एल्कली के साथ और हमारा बना हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो हमने बताया कि हाइड्रोक्साइड का कलर हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जो फेरिक, फेरिक का क्या कलर होता है नॉर्मली? येलोइश ब्राउन। और यहां पे क्या है? फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसका कलर येलो ब्राउन नहीं बनेगा, इसका कलर बन जाएगा रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। फेरस हाइड्रोक्साइड, इसका कलर Fe2+ का कलर हमने क्या देखा होना चाहिए? ग्रीन ना, लाइट ग्रीन। लेकिन ये क्या बन रहा है? डर्टी ग्रीन। दिस इज इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल है, इसीलिए हम प्रेसिपिटेट वाला एरो दे रहे हैं। ठीक, जिंक हाइड्रोक्साइड Zn2+ क्या होना चाहिए? कलरलेस, केवल Fe2+, Fe3+ एंड कॉपर, दैट इज अ क्यूप्रिक। केवल ये तीनों में हमने बताया कलर, बाकी तो कलरलेस है। तो जिंक हाइड्रोक्साइड, हाँ, लेकिन इसका क्या कलर आ रहा है जिंक हाइड्रोक्साइड का? इसका कलर बनता है जिलेटिनस व्हाइट, जिलेटिनस व्हाइट। जिलेटिनस का मतलब होता है जेली के जैसा, जेली मतलब चिपचिपा। व्हाइट नहीं लिख सकते नहीं, व्हाइट का ये स्पेशल व्हाइट है, जिलेटिनस व्हाइट, क्योंकि व्हाइट नहीं होगा। नहीं, क्यों? इसको जब आप टेस्ट ट्यूब हिलाओगे तो जैसा नेटा ने पोटा नहीं निकलता नाक से, कैसे वो स्लाइमी, वैसे वो घूमेगा, इंडिविजुअल पार्टिकल के जैसा नहीं रहेगा, वो स्लाइमी रहेगा, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं जेलेटिनस व्हाइट। व्हाइट प्रेसिपिटेट तो आपको बहुत सारा बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन कैसा व्हाइट है वो इंपॉर्टेंट है। जेलेटिनस व्हाइट, इसमें सॉल्युबल है, इसीलिए प्रेसिपिटेट का एरो नहीं दे रहे हैं, समझ जाओ कि सॉल्युबल है। लेड हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड इज चॉकी व्हाइट, ओके, एंड सॉल्युबल। चॉकी व्हाइट यानी जैसे चॉक रहता है, चॉक का पाउडर के जैसा चॉकी व्हाइट रहेगा और सॉल्युबल रहेगा। ओके, इट इज सॉल्युबल, यानी आपका पूरा सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट व्हाइट दिखेगा, कुछ बैठेगा नहीं, परफेक्ट व्हाइट, चॉक व्हाइट। तो नेक्स्ट है कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड है पेल ब्लू, इनसॉल्युबल। इसका कलर हमारे एक्सपेक्टेड कलर से मिलता जुलता है, क्यों? यहां पे भी हमने देखा ना ब्लू, कॉपर का ब्लू, यहां पे भी हम लोग को हाइड्रोक्साइड में पेल ब्लू मिला, इनसॉल्युबल है। लास्ट वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट, हाँ,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक कॉमन आपका कई सालों से एट्थ क्लास से ही मे बी उसके पहले से आपको आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में आप कार्बन डाइऑक्साइड मारोगे तो क्या हो जाता है? लाइम हो जाता है। लाइम टर्न्स लाइम वाटर मिल्की बोलते हैं ना, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो ये जो लाइम वाटर है ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इज इट लाइम वाटर? लाइम वाटर, इट विल टर्न इनटू मिल्क। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करो तो कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल बन जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि इसका सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा अलग हम लोग लिखते हैं। इसमें कलर इसका व्हाइट है और इसमें हम लोग प्रेसिपिटेट एरो नहीं लिखते हैं ना सॉल्युबल लिखते हैं। इसको हम लोग को लिखना पड़ता है स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब क्या हुआ? स्पेरिंगली सॉल्युबल, कुछ अंश सॉल्युबल है और कुछ अंश प्रेसिपिटेट हो जाता है। सेम कंपाउंड, कंपाउंड वही है लेकिन कुछ अंश उसका जो सॉल्युबल है और कुछ अंश इसीलिए क्या रहेगा, आप जब सॉल्यूशन को देखोगे कुछ आपको समय के अनुसार जितना देर आप उसको खड़ा रखोगे छोड़ दोगे बिना डिस्टर्ब किए हुए तो ऊपर का सॉल्यूशन ज्यादा क्लियर दिखेगा और नीचे प्रेसिपिटेट ज्यादा दिखेगा लेकिन पूरी तरीके से कभी क्लियर नहीं होगा वो। इसीलिए हम लोग बोलते हैं उसको व्हाइट कलर स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो देखिए ये हो गया आपका एनालिटिकल। एनालिटिकल यानी भैया कंपाउंड है क्या? कलर के द्वारा, सॉल्युबिलिटी के द्वारा, इन प्रॉपर्टीज के द्वारा आप प्रिडिक्ट करते हो, बोलते हो। इसका सबसे बढ़िया रिएजेंट होता है एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका कोई सॉल्युबल सॉल्ट लीजिए मेटल का, तो जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा प्रैक्टिकल में भी, जो मेटल का एक सॉल्युबल सॉल्ट है वो आपको दे दिया जाएगा। इसमें कलर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल FeCl3 कलर है कि नहीं है? हाँ सर है, है। क्या है? येलोइश ब्राउन का कलर रहेगा। आप जब उसमें एल्कली डालोगे तो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये आयरन हाइड्रोक्साइड बना और वो भी प्रेसिपिटेट हो गया। आपके टेस्ट ट्यूब के बॉटम में रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बना, रस्ट के जैसा लगता है देखने में, लोहा का जंग के जैसा। ओके, सो इस तरीके से रिएक्टेंट का अगर कोई कलर है नहीं है, एल्कली से रिएक्ट किया, हाइड्रोक्साइड का कलर आपको याद रखना पड़ेगा, इसका प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा। अब इस चीज से आप 100% कंफर्म नहीं हो पाते हो। आपको लगा कि यस अब हम बोल सकते हैं ये क्या केमिकल है, लेकिन हम और कंफर्म होना चाहते हैं, और ज्यादा कंफर्म होना चाहते हैं। तो भैया आप ज्यादा अगर कंफर्म होना चाहते हो तो थोड़ा सा रिएक्शन और कीजिए। तो इसमें होता है एक्सेस, एक्सेस का क्या मतलब होता है? ज्यादा। तो अभी तो आपने जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया गया था लगभग उसके बराबर अमाउंट ऑफ अल्कली आप उसमें ऐड किया, आपको ये जिस चीज बन गया ये वाला, जैसे कि कुछ डर्टी ग्रीन वाला प्रेसिपिटेट बन गया। अब वहां पे आप बोले कि हम और कंफर्म होना चाहते हैं तो और ऐड कीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आप एक्सेस में ऐड कर रहे हैं। तो जब आप एक्सेस ऐड करेंगे, ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड है डर्टी ग्रीन इनसॉल्युबल, ये एक्सेस NaOH या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से इनसॉल्युबल ही रहेगा। इससे आपको समझ में आएगा कि ये वही है,
ये वही है, ये सॉल्युबल नहीं हुआ, ये वही है। वही रिएक्शन आप रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आया आपने किया, फिर से एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको इनसॉल्युबल, स्टिल इट इज इनसॉल्युबल, आइदर यू यूज अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्टिल इनसॉल्युबल। जिंक के साथ आप रिएक्शन फिर कर रहे हो, यहां पे सॉल्युबल हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन क्लियर एकदम आर पार दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट। इधर आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ ये पहले जेलेटिनस व्हाइट था, इतना साफ जेलेटिनस व्हाइट स्लाइमी टाइप का था, एकदम सॉल्युबल हो गया एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, ये जिंक हाइड्रोक्साइड है। लेड हाइड्रोक्साइड जो कि चौकी व्हाइट रहता है एक्सेस डालने के बाद, इसमें थोड़ी कहानी में ट्विस्ट आती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ थोड़ा फर्क आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लियर सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ यह इनसॉल्युबल रहेगा। ओके, लेड हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट कॉपर हाइड्रोक्साइड, यहां पे भी दोनों को हम लोग सेपरेट तरीके से देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमेन्स स्टिल इनसॉल्युबल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विल बिकम सॉल्युबल। और ये कलर के साथ आएगा डीप ब्लू, यानी देखिए क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, CU2 प्लस कलर ब्लू, ब्लू है ब्लू, ब्लू जब एल्कली ऐड किए बन गया पेल ब्लू, और जब और एक्सेस ऐड किए, ये प्रेसिपिटेट है, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट है, कॉपर हाइड्रोक्साइड पेल ब्लू प्रेसिपिटेट। ओके, सॉल्युबल ब्लू पेल ब्लू प्रेसिपिटेट विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डीप ब्लू सॉल्युबल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बन गया डीप ब्लू सॉल्यूशन बन गया। ये कॉपर का बहुत ही सुंदर आपका आइडेंटिफिकेशन होता है, केवल ब्लू का ही खेल चल रहा है, ब्लू पेल ब्लू डीप ब्लू। कैल्शियम नाइट्रेट कन्वर्टिंग टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा ऐड करने पे इनसॉल्युबल,